नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन। मैं हूं कनक बिष्ट। चलिए रुक करते हैं खबरों का। बागपत में चकबंदी प्रक्रिया में गड़बड़ी और पट्टों को कब्जाने से नाराज होकर बागपत में पंचायत हुई, जिसमें गांव से पलायन करने और धर्म परिवर्तन की चेतावनी दी गई। पंचायत ने फैसला किया कि यदि जल्द मांग पूरी नहीं हुई तो वो गाँव छोड़कर चले जाएंगे। पंचायत के इस ऐलान से बागपत प्रशासन की नींद उड़ी हुई है और प्रशासन ने मामले को गंभीरता से देखते हुए चकबंदी प्रक्रिया की जांच करने के आदेश दिए हैं। बागपत के बामनौली गांव में कई सालों से चकबंदी प्रक्रिया चल रही है। इस प्रक्रिया पर सवाल भी लंबे समय से खड़े होते आ रहे हैं। इसको लेकर किसानों ने कई बार अपने गुस्से का इजहार भी किया और मुख्यमंत्री से भी शिकायत की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। अब किसानों ने गांव में पंचायत बुलाई और अपने गुस्से का इजहार किया। काफी देर तक पंचायत चली और जब फैसले की घड़ी आई तो किसानों ने ऐलान कर दिया कि यदि उनकी जमीन के पट्टे और चकबंदी प्रक्रिया में उन्हें सही जमीन नहीं मिली तो वो धर्म परिवर्तन कर लेंगे और गांव से भी पलायन कर जाएंगे। पंचायत जो है जी, चकबंदी से त्रस्त होकर हम लोगों ने जो है ये निर्णय किया कि हम जो है धर्म परिवर्तन करेंगे, और अगर जो है इसके बाद भी हमारी सुनवाई नहीं होती तो 26 जनवरी को हम जो है गांव से पलायन कर जाएंगे, क्योंकि हमारे रोजगार यहां ख़त्म हो गए। सुनवाई हमारी कोई होती नहीं, राष्ट्रपति से लेकर SDM तक हम जो है अपनी गुहार लगा चुके, लेकिन हमारी कोई सुनने वाला है नहीं। गाँव पंचायत से ले हो रही है, संतर समय भूमि का पट्टे में ले हुए हैं जी। वो भूमि का पट्टे जो है हमारे इन दबंगों ने चकबंदी के दौरान जो है अपने कब्जे में करा लिए, कीमत कम करा करके हमको कई नदी खाले में दे दिया गया। ऊबड़ खाबड़ जमीन दे रहे हैं जो कृषि योग्य नहीं है, कुछ नदी खाले में नाप दी गई है। अब निर्णय हमारा ये है, इसमें चकबंदी मामले में तो हमारा कृष्णपाल भाई है, उसके पास 8 बीघा जमीन थी, वो 2 जगह कर दी उसकी भी, उसने भी अपनी आत्महत्या कर ली। हमने पहले भी इस बारे में लिखा था लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही कहीं तक भी। अब हमने जो है निर्णय लिया धर्म परिवर्तन करने के लिए। बामनौली गांव के किसानों का भी गुस्सा वाजिब है। कई किसानों की उपजाऊ जमीन चकबंदी प्रक्रिया के बाद बदल दी गई है और उन्हें कम उपजाऊ जमीन दी जा रही है। कई किसानों के खेत 2 हिस्सों में बट गए हैं और कई किसानों की मौके की जमीन के खेतों के बीच में कर दी गई है। किसानों का आरोप है कि रसूखदार लोगों से पैसे लेकर चकबंदी प्रक्रिया को प्रभावित जाता है और किसानों की एक नहीं सुनी गई। किसानों ने आरोप लगाया है कि वो आला अधिकारियों से मिले और मुख्यमंत्री को भी शिकायती पत्र भेजा, लेकिन कोई समाधान नहीं किया गया और इसलिए अपनी बर्बादी से परेशान किसानों को कोई और रास्ता नहीं दिख रहा। गांव के करीब 30 किसान परिवार ऐसे हैं कि जो इस चकबंदी प्रतिक्रिया से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं और उन्होंने ही ये निर्णय लिया है। इस बारे में हमने SDM बड़ौत से बात की तो उन्होंने इस मामले की जांच कराने और मामले को गंभीरता से देखते हुए जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसमें संज्ञान में जो आया है कि कल ये लोग बैठक किए थे उसमें धर्म परिवर्तन की बात कर रहे हैं। ये 27 से 28 दलित परिवार के लोग हैं जिनका कि ये कहना है उनको जो पट्टे में पूर्व में जमीन मिली थी उस जमीन को खुर्द बुर्द किया गया है या आसपास उनको जमीन हटा के दूसरी जगह दिया गया है। इसमें हमने चकबंदी अधिकारी से वार्ता की है अभी और चकबंदी अधिकारी को कहा है कि आप इसको तत्काल संज्ञान लेते हुए और 2 दिन के अंदर हमको अवगत कराएं कि इन लोगों की क्या समस्या थी और आपने क्या निस्तारण किया। ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी, इनको इनके साथ पूरा न्याय किया जाएगा। किसानों की इस चेतावनी ने बागपत प्रशासन की नींद उड़ा दी है और चकबंदी प्रक्रिया को भी सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। अब देखना ये है कि क्या किसानों को उनका हक मिल पाएगा या फिर उन्हें अपनी चेतावनी को हकीकत में बदल कर विरोध का नया मापदंड बनना पड़ेगा। बागपत से दुष्यंत त्यागी की रिपोर्ट।